draw triangle ABC with side BC 7, B 45, A 105. Okay, then construct a triangle whose sides are 4/3 times of corresponding sides of ABC. Now focus here. A मेरे पास 105 है और B तो C कितना आ जाएगा? C आ जाएगा 30. तीनों ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 होता है. तो 30 डिग्री आ जाएगा. ये मैंने क्यों निकाला? BC साइड दी है तो सबसे पहले BC बनाओ और B पे कितना एंगल है? 45 है. 45 बना दो. C पे कितना एंगल है? 30 बना दो. तो ये मेरे पास A आ जाएगा. सिंपली क्योंकि ये साइड दी थी इसलिए तो ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे लगता है कोई भी चैलेंज यहाँ पर नहीं है. तरीका मैंने आपको बता दिया है और ये समझ आ गया. अब मुझे ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसकी साइड इसकी 4/3 हो. तो 4/3 में जो बड़ा क्या है? 4 है. तो आपको क्या करना है? बी से एक ए के अपोजिट साइड में एक्यूट एंगल बनाना है. और इसके कितने पार्ट करने हैं? इसके करने हैं 4 पार्ट. इसके कितने करने हैं? 4 पार्ट. 4/3 है तो 1, 2, 3, 4 चार पार्ट करने हैं. ये आ गया मेरे पास. अब क्या किया जाए? 4/3 है, 4/3 है, 4/3 है. क्या किया जाए? अब इसमें जो 3 वाला है वो ही छोटा हुआ. 3 वाला आपको मैंने इसको पार्ट को मेंशन करना और यहां से इसको सी से ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है ना. अब जो फोर्थ वाला पार्ट है इसके पहला लाइन ड्रॉ करिए और ये यहाँ पर जाके जो मीट करेगा ये मेरे पास सी डैश होगा. आप सी डैश से सी ए के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये मेरे पास ए डैश आ जाएगा. ये सिंपल सा एक तरीका रहा. दोबारा से मैं बताता हूँ ट्राइंगल कैसे बनेगा. ए एंगल निकाला, बी पे 45 बनाया, सी पे 30 बनाया, जहां कट किया वो ए आ गए. यहां से मैंने 4 पार्ट किए, B1, B2, B3, B4 से बनना है. और अब B3 वाले पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया और उसको सी को ज्वाइन करवा दिया. ठीक है ना. अब ये जो साइड आई इसके पैरेलल V4 वाले पार्ट से मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की. क्यों आंसर आएगा? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे या प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट लगेगा. ये मेरे पास 4/3 होगा, टोटल रेशियो 4/3 होगा, तो ये भी टोटल रेशियो 4/3 होगा. अब यहां से भी सी डैश से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सेम तरीके से सेम लॉजिक से मैं कह सकता हूं कि इन साइड्स का रेशियो बी ए डैश अपॉन बी ए कितना आएगा. प्रोपोर्शनलिटी के कंसेप्ट से कह सकता हूं कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं दोनों से कह सकता हूं कि इनका रेशियो क्या आएगा? 4/3 आएगा. ओके तो ये आ गया मुझे कैसे करना है. कर दिया मैंने, नो प्रॉब्लम. लेकिन जो काम की बात है ये प्रोसीजर और लॉजिक भी लिखना बहुत काम की बात है. तो सबसे पहले मैंने सी कैसे निकाला? तीनों एंगल का सम 180 होता है तो 30 आया. इतनी कहानी है जो एक स्टेप में ही बता दी थी. अब इसके बाद बी सी को ड्रॉ किया और मैंने 45 और 30 बनाया और ट्राइंगल बना लिया. सही है, ट्राइंगल आ गया. इसके बाद 4 पॉइंट्स लोकेट किए ग्रेटर देन 4 और 3 सच दैट बी 1 बी 2 बी 3 4 ऑन रे बी एक्स ज्वाइन. इसको ज्वाइन किया और इसके पहला लाइन ड्रॉ किया और सी डैश और ए डैश ट्राइंगल मैंने बना लिया. अब यही ट्राइंगल करेक्ट ट्राइंगल है. इसका जस्टिफिकेशन या लॉजिक है ये भी लिखना चाहिए. तो ये सारी बातें लिखने के बाद यहाँ पर जो काम की बात थी कि ए डैश बी सी डैश एंड ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल हैं. ये सिमिलर ट्राइंगल है क्योंकि ये पैरेलल ही लिया मैंने पहले. ये दोनों पैरेलल तो ये रेशियो आ जाएगा और ये पैरेलल ही लाइन ड्रॉ की है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. और सिमिलर एक बार हो गए तो रेशियो जो एक बार ये प्रोपोर्शनलिटी से ये कितना आया था? 4/3 आया था. वही इनकी साइड्स के लिए भी 4/3 होगा. ओके तो मतलब इट्स नॉट अ चैलेंज, ये आसान है और मुझे लगता है ढंग से समझ में आ गया है. और फिर भी अगर चैलेंज अगर आ रहा है तो तुम्हारा पूछ सकते हैं. लेकिन मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए पूरा लिखना जरूरी है. ओके ठीक है, गुड.